हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर हम डबल एंट्रीज को कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप कंप्यूटर्स के ऊपर देख पा रहे हो, ये कोई डेटा लिखा हुआ है, सर्कल है, डेजिग्नेशन है, फंक्शन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सैलरी है और डेट ऑफ मीटिंग है। अब मेरे को ये सैलरी में कौन कौन सी ऐसी एंट्री है जो दो बार लिखी हुई है, ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम एक्स जो सैलरी वाला कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स और फिर डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ से आप जो भी कलर इसको देंगे वो उस कलर में हाईलाइट हो जाएगा। कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से फिल फिल के बाद जो भी कलर आपको देना है, येलो दे दो, ओके। तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो यहाँ पे इसने हाईलाइट करके दिखाती हैं। जो भी डबल वैल्यू होंगी या जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।